बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिलीशियस कुजीन में वेलकम। हमारे वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। आज की जो हमारी रेसिपी है, हम बनाने जा रहे हैं ग्रीन चिकन कढ़ाई। स्टार्ट करते हैं जी। आज हम बनाने जा रहे हैं ग्रीन चिकन कढ़ाई। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है और उसमें मैं 300 ग्राम चिकन ऐड करूँगी। और इसको हम फ्राई करेंगे ऑयल में। तो आप देख सकते हैं चिकन हमारी फ्राई हो रही है, इसका कलर चेंज होना शुरू होगा, तो हम इसको निकाल लेंगे। देखिए चिकन फ्राई हो गई है, ठीक है, इसको निकाल लूँगी। तेल निकाल लें इस तरीके से इसका। ऑयल में जो है मैं एक प्याज ऐड करूँगी। अगर बड़ी है तो आप एक ले सकते हैं और दरमियान तो दो भी ले सकते हैं। इसको फ्राई करेंगे। एक मिनट इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए प्याज हमारी जो है ये सॉफ्ट हो गई है, ठीक है। जब आपकी प्याज सॉफ्ट हो जाए तो उसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच और इसको उतना फ्राई करेंगे कि उसका जो अपना कच्चापन होता है इस तरीके से ख़त्म होता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाए। फिर इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। देखिए मैंने इसका कच्चापन अच्छी तरीके से ख़त्म कर दिया है, ठीक है। अब मैं इसमें 1/2 मीडियम साइज का टमाटर ऐड करूँगी, सही है, और इसको सॉफ्ट करेंगे, इसकी स्किन निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं टमाटर जो है हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, इसको हम इसकी स्किन निकालेंगे इस तरीके से। सारे निकाल लेंगे, दूसरे टमाटर की भी। इसको हम मैश कर लेंगे, तोड़ लेंगे इस तरीके से, अच्छी तरीके से। देखिए इसको मैंने अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। अब मैं इसमें फ्राई की हुई चिकन ऐड करूँगी। मिक्स करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप मिक्स करें, साथ साथ कुक करते रहेंगे इसको। इसको मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें दही ऐड करूँगी अच्छे तरीके से फेंट लें, ठीक है, 3 खाने के चम्मच। इसको जो है मिक्स करेंगे। देखिए इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स किया 1-2 मिनट। इसके बाद मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड करूँगी 1 खाने का चम्मच और ये रोस्टेड है, ठीक है। इसके साथ में सुपैस जीरा पाउडर ऐड करूँगी, ये भी मेरे पास रोस्टेड है 1/4 चम्मच। इस तरीके से मिक्स करेंगे। ये 3 से 4 मिनट बाद जो है मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप पानी और इसको हम कुक करेंगे। देखिए हमारी चिकन जो है कुक हो चुकी है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/4 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट और इसमें ऐड करूँगी 2 खाने के चम्मच धनिया का पेस्ट। तो मिक्स करेंगे और इसके साथ जो है मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। इसके साथ मैं इसमें नमक ऐड करूँगी हल्दी जायका। इसको मिक्स करेंगे, 2 से 3 मिनट कुक करेंगे इसको। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी ब्लैक पेपर 1 टीस्पून और वाइट पेपर इसमें जाएगा 1 टीस्पून।
इसको मिक्स कर लेंगे एक मिनट तक। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हरी मिर्चें, इसके साथ मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक चूरियन कट। ठीक है, एक मिनट बाद इसको मैं सर्व कर लूँगी। जी तो आप देख सकते हैं हमारी आज की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो मैंने आपके साथ आज शेयर की है, चिकन ग्रीन कढ़ाई रेडी है। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, इसको आप चपाती के साथ नान के साथ खा सकते हैं और दावत वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बेहद पसंद आएगी आपको मेरी रेसिपी। पसंद आएगा कमेंट सेशन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा और साथ हमारी इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। तो नेक्स्ट टाइम मेरी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।